एंटिटी डायमेंशन यही कहीं होना चाहिए, जल्दी खोदना पड़ेगा। नहीं समझे? एंटिटी डायमेंशन मींस डार्क माइनक्राफ्ट, और ये है डार्क माइनक्राफ्ट सीजन 1 पार्ट 5। सो गाइस, आपको पिछले पार्ट में याद होगा एक एंटिटी जो कि मुझे बचा रहा था, उसकी मुझे रियलिटी पता चली कि उसको एक बीमारी है जो कि रात में ईविल बन जाता है और दिन में अच्छा। एंड देन मुझे पता चला कि उसने ही मुझे ट्रैप कर रखा था और वो ही मुझे ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे बीमारी है, वो एक साइको है। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन मैंने उसके ट्रैप से एस्केप कर लिया। और डार्क माइनक्राफ्ट एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे सब एंटिटीज रहते हैं, और वो एंटिटी बहुत खतरनाक है। वो लोग डार्क माइनक्राफ्ट डायमेंशन से हमारे ओवरवर्ल्ड में आ रहे हैं, और इसकी वजह से मैं उन्हें रोकने के लिए डार्क माइनक्राफ्ट में जा रहा हूँ। और गाइज, मैंने एक एंडर एंटिटी की स्किन भी ले लिया, ये देखो, ताकि उन्हें लगे कि मैं भी एक एंटिटी और वो मेरे पे अटैक ना करें। मस्त लग रहा हूँ ना? सच सच बताना कमेंट्स में। एंड अब चलते हैं वहाँ पे। मैंने थोड़ा बहुत माइन करा और मुझे वो डायमेंशन मिल चुका है। यही है वो डायमेंशन, लेकिन उससे पहले ऊपर के मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। ओ बेडरॉक है इधर तो। वेट, मेरे पास बट एक टेक्निक है। अरे मैं इसमें कैसे जाऊंगा यार? एक मिनट, कुछ करना तो नहीं है हमें इसमें जाने के लिए? तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें डार्क माइनक्राफ्ट डायमेंशन में जाना है तो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रखवाला, तुम्हें मेरी सेना को हराना पड़ेगा और फिर तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम डार्क डायमेंशन यानी डार्क माइनक्राफ्ट के लायक हो। बुला अपनी सेना को फिर। ओ ओ ओ, ओ ये लोग कौन है? ये लोग, ओ इतनी चिंदी सेना। बट मैं इन्हें मार पाऊंगा या नहीं ये मुझे पूरा यकीन नहीं है, बिकॉज ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक तो जगह नहीं है गाइस छुपने की, लेकिन मैं इन्हें मार दूंगा, मुझे पूरा यकीन है। मारना पड़ेगा तभी मैं अपने वर्ल्ड को बचा पाऊंगा। सारे एंटिटीज यहाँ पर आ रहे हैं। बच गया, कौन बच? ले 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 बेटे। ओह ओह, खाना खा लेता हूँ। इन्हें तो हरा दिया तुमने, लेकिन मेरी नेदर की सेना को कैसे हराओगे? बुलाना बस तू, तमाशा तू देखेगा उनके मरने का। मैं सबको मार सकता हूँ बेटे, देखते हैं मर भी पाएंगे या नहीं। एक मिनट, नुबड़े मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। ओह वाह, पहली का उत्तर दे ही दिया, नहीं तो मेरी सेना ही जाते। मैं मर क्यों गया? तुम्हें पता चलेगा, यही रास्ता है डार्क माइनक्राफ्ट में जाने का। अब यहाँ से मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा। और तुम्हारी आवाज़ को क्या हो रहा है? क्योंकि एक एंटिटी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे साइको लग रहा है। नहीं, वो मेरा पीछा कर रहा है लगता है। अब रात हो रही है और वो साइको बन चुका है। नहीं, जल्दी जाना पड़ेगा। रिस्पॉन करूँ क्या? कर कर। नहीं, मैं नहीं क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं डार्क माइनक्राफ्ट डायमेंशन में आ गया। बट ये थोड़ा स्कैरी है, इतने सारे स्कल्स, ये ग्रेव्स। नहीं भाई, मैं इस जगह से भाग रहा हूँ, मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे। तो अब जो मुझे पहले करना होगा वो है एक मॉन्स्टर हॉन्टेड हाउस में जाकर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उस क्रिस्टल से ओपन हो रहा है ओवरवर्ल्ड का डायमेंशन। बट वो काफ़ी दूर है एंड मुझे कंपास ढूंढना पड़ेगा उससे पहले।
एक मॉब आर्मी से लड़ने के बाद रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ओवरवर्ल्ड ढूंढते हैं, ओवरवर्ल्ड का मतलब हॉन्टेड हाउस। उससे पहले कंपास भी ढूंढना पड़ेगा, और वो कहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और वो साइको एंटिटी भी मेरे पीछे ही पड़ा होगा, लेकिन अभी दिन है तो गाइस मुझे अभी पता चला है कंपास एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे एक छोटा सा घर है और बहुत बड़ी मॉब आर्मी रात में स्पॉन होती है, और वो कंपास भी रात में ही रखा रहता है। ओ एक प्यारा सा डॉगी, इसे मुझे टेम करना है, लेकिन मेरे पास बोन नहीं है। ओ ओ पर यार नीचे एक बोन पड़ी हुई थी स्केलेटन की, उससे मैं अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करूँ। चल मेरे साथ मेरी मदद के लिए। और हाँ उसकी लोकेशन भी मुझे पता चल गई है, वो जो हॉन्टेड हाउस है ना वो बहुत ही खतरनाक जगह पर है। और हाँ एंटिटीज़ का तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे हमें कोई एंटिटी दिखेगा भी नहीं, सब एंटिटीज सोचते हैं वो अकेले हैं वर्ल्ड में। अभी हमने एंटिटी की कॉस्ट्यूम पहन रखी है राइट। ओ यहाँ पे बहुत सारे वुल्स हैं, सबको अपना पेट बनाते हैं। करते हैं जंग की शुरुआत। गाइस मैं आ तो चुका हूँ उस जगह के पास, और वो रहा अपना क्या बोलते हैं ये कंपास की जगह। एंड यार मुझे अपने डॉग्स को खड़ा करना है, वही तो मारेंगे इन्हें, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ। अभी भागना पड़ेगा गाइस, और कोई चारा नहीं है, अभी भागना पड़ेगा। प्लीज मेरे डॉग्स मदद करो यार, खाना खाओ खाना खाओ 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 खाओ, ले बेटे। आ शिट कैसे हो गया ये। गाइस मुझे अभी पता चला है एक रिसर्च से कि यहाँ पे आसपास में एक विलेज है, एंड उस विलेज में भी एक कंपास है, उधर कोई खतरा भी नहीं है। तो मैं पागल था जो इतनी देर से खतरा उठाकर मार मार के उन्हें और खुद भी मर गए। सो गाइस चलते हैं, इधर ही है ब्लैक स्मिथ के घर में लोडस्टोन कंपास एंड ओ डायमंड नेदराइट का सामान। ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ओ ये रहा वो कंपास, दोनों कंपास ले लेते हैं, सेम ही है मेरे ख्याल से तो दोनों। आइटम फ्रेम भी तोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं उस जगह को ढूंढने एंड देन पोर्टल को बंद करने। कहाँ दिखा रहा है ये, इधर सामने जाना है। ओके कहाँ जाना है ब्रो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस लोडस्टोन कंपास का। वैसे हमें सामने जाना है राइट, हाँ सामने ही जाना है, सामने ब्रो एग्जैक्ट सामने जाना है। एंड अब मैं रास्ते में जा ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, और वो ये क्या हो रहा है गेम को। टू बी कंटिन्यू, डार्क माइनक्राफ्ट सीजन 1 पार्ट 5 एंड्स पार्ट 6 सून।